अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आज मैं ला रही हूँ आपके लिए रमज़ान की पहली रेसिपी। तो चलते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉईल किया है। सारा प्रोसीजर जो है वैसा ही जैसे आप लोग करते हो। अब इस आलू को मैंने ठंडा करके अच्छी तरह से मैंने इसको मैश किया है। और फिर मैंने लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा साबुत, सूखा धनिया साबुत, पिसा हुआ धनिया, एक जो है बड़ी वाली सब्ज मिर्च और छोटी वाली 1.5 प्याज मैंने चॉप करके आलूओं के ऊपर जो है मैंने शामिल कर दी है। अब मैं थोड़ा सा धनिया लेकर, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन धनिया से आलू वाले समोसे का टेस्ट अच्छा आ जाता है। हाँ जी, तो अब मैं आलू के अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया। फिर इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर मैं वो आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। हाँ जी, तो ये देखें, ये मैंने आलू वाले समोसियों का जो अमेज़ है वो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये देखें, अब मैं ये समोसियाँ जो है ये बना रही हूँ। और किस तरह से बना रही हूँ मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। और साथ में ये मैदा है, इससे हम ना समोसे को जो है वो जोड़ेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 5 चम्मच मैदा है, 1 टेबल स्पून। और आपने इसको इस तरह से रखना, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। ये देखिए, इस तरह से हमने ये समोसा पट्टी ली, इस तरह से हमने मैदे को पट्टी के ऊपर लगाया और फिर दोबारा से इसको फोल्ड किया। हर एक अपने अपने तरीके हैं बनाने के, आप रोल भी बना सकती हैं। और देखें कितनी प्यारी सी ये कोन बन गई है। और अब इसमें जा रहा है ये मिक्सचर आलू का, और दोबारा से इस पे मैदे को लगाया। एक लेयर और फिर ये दूसरी लेयर। और इस तरह से हमारी समोसी हो गई है तैयार। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये हमारी फ्रोज़न आइटम जो है वो बिल्कुल अब तैयार हो गई है। और ये देखिए, आपने जितनी यूज़ करनी है आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र में रखें और फ्राई करने से 2-3 घंटे पहले आप इसको निकालें और जितनी आपने फ्राई करनी है आप करें। हाँ जी, तो मेरी समोसियाँ हो गई हैं बिल्कुल रेडी। और ये मैंने प्लास्टिक बॉक्स में इसको सेव कर लिया है। और ये मेरा आधा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। और जब दोबारा ख़त्म हो जाएगी तो मैं दोबारा से बना लूँगी। तो ये है मेरे रमज़ान की पहली रेसिपी। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।